अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो नंबर 4 के अंदर खुश आमदेद। हमने एक सादी सी टेबल और सादी सी कुर्सी बनाना सीखा पहली 3 वीडियो में। आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। हमने लाइन लगाना सीखा, रेक्टेंगुलर लगानी सीखी, सर्कल जो सा है वो भी सेम उस तरह का है। उसके बाद हमने जो मूव टूल है उसका इस्तेमाल सीखा, चंद एक इस्तेमाल सीखे, उसके अलावा भी इसके काफ़ी इस्तेमाल हैं, वो हम आहिस्ता आहिस्ता आगे चलेंगे। पुल पुश का इस्तेमाल सीखा, आज हम फॉलो मी का इस्तेमाल सीखेंगे और साथ डिज़ाइनिंग करेंगे अपनी टेबल के ऊपर। ये 2 चीज़ें हम करेंगे, तो शुरू करते हैं। फॉलो मी टूल के अंदर हमने देखा हमारी अक्सर टेबल जो सी होती है उसका डिज़ाइन, उसके किनारे बड़े खूबसूरत से बने होते हैं, उसमें थोड़ा कर्व किया होता है, उसके अंदर थोड़ा राउंड गोला बनाया होता है उसका। तो हम इस टेबल को अपनी उस टेबल को उसी शक्ल में लाएंगे। शुरू करते हैं। जो ग्रुप था उसको मैंने डबल क्लिक किया। अब इसके अंदर हमें जितना इसका राउंड बनाना है किसी भी एक किनारे के ऊपर, हम उस किनारे के ऊपर वो शेप जो सी है वो बनाएंगे। सबसे पहले रेक्टेंगुलर लगाएंगे, आर्क क्लिक करके, रेक्टेंगुलर का टूल है। हमारा ये जो टेबल टॉप था ये 50 mm वो मोटा था, तो हम इसको 25x25 का एक रेक्टेंगुलर लगा देंगे। उसके बाद लाइन टूल जो है वो सिलेक्ट करेंगे, एल का बटन दबा के, उसके बाद और 25 मिली, चूँकि हमारा ये वाला हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक 25 मिली है, तो हमने इसके अंदर अपना राउंड जो है वो शेप बनानी है। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, 10 मिली का, 7 मिली की एक लाइन लगाते हैं, 7 किया। अब 7 मिली से नीचे फिर 7 मिली, इसी तरह अब नीचे से 7 मिली, उसके बाद इधर से 7 मिली। अब यहाँ से हमने इधर राउंड शेप बनानी है। राउंड शेप बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम आर्क लगाएंगे इधर से इधर तक। उसके 2 तरीके हैं, हम ए का बटन दबा के आर्क का टूल सेलेक्ट कर सकते हैं, या यहाँ से भी आर्क का टूल सेलेक्ट। आर्क जो सी हमारे पास एक सिंपल आर्क है जो किसी भी जगह का सेंटर लेकर बनाई जा सकती है। दूसरा ये 2 पॉइंट आर है, यानी दोनों सिरों को सिलेक्ट करें, उसके बाद आर्क की लंबाई को पता करें। उसके बाद ये पाई है जिसका शुरू में हमने इसको बनाया था, तो इसका ये भी शेप बनाने के लिए काम आती है। लेकिन अभी जो सा है मैं जस्ट 2 पॉइंट जो आर्क है उसको लूँगा, 1 पॉइंट सेलेक्ट किया, सॉरी ये लाइन टू था, आर्क के लिए 1 दबाया मैंने किया। अब यहाँ पर हमने उसका रेडियस जो है वो सिलेक्ट करना है, ऑटोमेटिकली उसका 10 mm तक उसने रेडियस दे दिया, 9, ये 8 mm, 10 mm, तो मैं 10 mm तक जो है उसका ये दोस्तों देखो, अब ये सारी जो लाइन थी इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब ये हमारा वो डिज़ाइन बन गया जो
हम इसके किनारे के ऊपर बनाना चाहते हैं। अब इस जगह इस ये डिज़ाइन बना के फॉलो मी टूल को सिलेक्ट करेंगे, जो हिस्से का हमने डिज़ाइन बनाना है उसको क्लिक करेंगे और जिस तरफ भी हम इसको लेके जाना चाह रही है, ये देखिए उसका वो जो जो एक लाइन है, जिस तरफ हमारा डिज़ाइन जाएगा उस तरफ वो लाइन खुद ब खुद जैसे हम कर्सर को मूव करेंगे वो आगे जाता जाएगा। उसके बाद फिर हम इसको उस तरफ लेके जाएंगे, यानी टेबल की टॉप की चारों साइड के ऊपर हम उसको घुमा देंगे। जब ये लास्ट वाला सिरे पे आएगा तो वो खुद ही जोन सा ना ये हमें, ये देखिए उसने खुद हमें बता दिया कि वो पूरे का पूरा उसका राउंड मुकम्मल करा है। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे आप देखिए क्या खूबसूरत उसकी शेप बन गई। ये हमारा एक अच्छा सा टेबल टॉप बन गया जिसके ऊपर डिज़ाइन भी है, ये सिर्फ एक टूल की मदद से, फॉलो मी टूल की मदद से। इसके साथ हम डिज़ाइन भी बना सकते हैं, इसके साथ हम कोई अच्छी सी शेप भी बना सकते हैं, इसके साथ हम बहुत सारे जो जो टूल्स होते हैं जो हमारे शेप जो मुश्किल होती है नहीं बनाने वाली बन सकती बस दफ़ा, तो हम वो चीज़ बना लेते हैं इसके साथ। जैसे अब एक हम एक फ्री हैंड स्केच बनाते हैं, फ्री हैंड के लिए उसको किसी भी शेप के अंदर हम लाइन लगा सकते हैं। अब लाइन लग जाती है तो इसमें हम क्या करना चाह रहे हैं, हम जिस तरह लाइन लगी है उसी लाइन के अंदर हम एक रेक्टेंगुलर यानी एक ट्यूब जोन सी है वो बनाना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पर आप किसी भी साइज़ का एक बॉक्स बनाएंगे, अब जैसे ही मैं इसको इधर रखूँगा ये तकरीबन मैंने इसको लाइन की सीमत की तरफ मैंने कर लिया। ये सिर्फ आपको थोड़ा सा इब्तदाई तौर पर बताने के लिए बना रहा हूँ। इसमें फॉलो मी टूल ले लिया, बस लेके जो सरफेस को हम एक्सट्रूड करना चाह रहे हैं उसको क्लिक किया, ये देखिए इसको लाइन के साथ साथ जैसे चलता जाएगा सेम उसी तरह की हमारी वो लाइन बनती जाएगी। ये इसकी ज्योमेट्री का प्रॉब्लम होता है अक्सर, लेकिन ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, इसके अंदर इस तरह की ये सारी चीज़ें हल हो जाती हैं। ये सिर्फ आपको बताने के लिए था। अच्छा अभी इसके अंदर हमारा हमने एक तो डिज़ाइन ये बना दिया, अब बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हमारे ये जो इसके बॉर्डर होते हैं यहाँ पर कुछ डिज़ाइन बने होते हैं, उस डिज़ाइन को भी हम इसमें बना सकते हैं, लेकिन स्केचअप के अंदर स्मूथ लाइन लगाना और डिज़ाइन बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर इस तरह के डिज़ाइनिंग के लिए नहीं है। ये चूँकि 3D सॉफ्टवेयर है, इसमें 3D के जो स्केच है वो नहीं बनते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं कि इसके अंदर 2D सॉफ्टवेयर से हम स्केच को इंपोर्ट कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे, इधर देखिए AutoCAD DWGF उसके अंदर मैंने कुछ आर्टवर्क जो सा है वो डाउनलोड किया हुआ है। अब उस
इसको मैं क्लिक करके इंपोर्ट करता हूँ। ये देखिए ये पैटर्न जोन से हैं सारे के सारे हमारे पास इंपोर्ट हो गए हैं। ये 2D पैटर्न है, सारे ऑटो कैड पे बने हैं। ये सारे के सारे डिज़ाइन हम आराम से इसके अंदर एक्सट्रूड कर सकते हैं। जैसे अब मैं शुरू में ये वाला डिज़ाइन लूँगा, मैं इसको कंट्रोल सी के साथ कॉपी कर लेता हूँ। ये ग्रुप बना हुआ था, ग्रुप के बाहर मैं इसको ले आता हूँ। देखिए इसकी कॉपी मैंने कर लिया। अब मैं इसको डबल क्लिक करके जाऊँगा। अब मैं सिर्फ इसका जो किनारा है उस किनारे के साथ एक लाइन लगाता हूँ। ये देखिए पूरे का पूरा वो सॉलिड हो गया। अब इसके अंदर डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें हर एक जो सतह है उस सतह के ऊपर जैसे ही करेंगे एक लाइन लगाएंगे तो वो हमारा वो सरफेस क्रिएट हो जाएगी। अब उसको मैं जैसे डिलीट करूँगा वो हमारी सरफेस बन गई। इसी तरह हमें मुख्तलिफ जोन से हैं डिज़ाइन उसको सरफेस में लेकर आना है। इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता होता है, लेकिन अगर आपने कुछ अच्छी चीज़ बनाने का सोचा है उसमें थोड़ा सा टाइम लग भी जाए उसमें कोई मुश्किल नहीं है। बाज़ दफ़ा जो ज्योमेट्री के अंदर थोड़ी सी ओवरलैपिंग हो जाती है तो फिर इस तरह का प्रॉब्लम आता है।
लेकिन उसको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे, तो हर तरह के ये छोटे छोटे जो बग्स होते हैं इसको आप आसानी से फाइंड भी कर सकते हैं और ट्रबल शूट भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप ऑटोकैड की कोई भी ज्योमेट्री जो है उसको 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारा फुल सॉलिड बन गया है। अब इसमें से जो डिज़ाइन वाला पार्ट है उसको मैं डिलीट करता जाता हूँ सेलेक्ट करके, ताकि जब हम एक्सट्रूड करेंगे तो ये हिस्सा हमें मैश की तरह का दिखाई देगा। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ आप देखिए कि जैसे जैसे मैं इसको बना रहा था, जो इसकी कॉपी की थी उसके अंदर भी वैसे वैसे बन रहा है। इसकी वजह ये थी कि जो हमने पहले सीखा था कि ये कंपोनेंट जब बनते हैं तो जो कंपोनेंट के अंदर तब्दीली होती है वो सब में बराबर एक जैसी होती है। अब जो कुछ मैं इसके साथ इसको सॉलिड बनाने के लिए करता रहा, सरफेस बनने लाने के लिए, सब कुछ इधर ऑटोमेटिकली होता रहा। लेकिन अब अगर हम चाह रहे हैं कि जो इधर चेंजेस हो उधर ना पड़े, तो इस कंपोनेंट को या तो फिर हम एक्सप्लोड कर देंगे, इसको नॉर्मल ग्रुप में ले आएंगे, या फिर इसका एक और तरीका है कि हम इसको राइट क्लिक करके मेक अ यूनिक कंपोनेंट बना लेंगे, यानी एक दूसरा कंपोनेंट बन जाएगा। अब जो भी इसमें तब्दीली होगी वो इसमें नहीं आएगी। अब मैं इसको एक्सक्लूड करता हूँ, ये देखिए जैसे मैंने इसको एक्सट्रूड किया, इसको मैं थिकनेस देता हूँ 5 mm,
ये देखिए कितना ज़बरदस्त जौन सा है उसका डिज़ाइन बन गया हमारा मैश का। इस जगह पर कुछ छोटी छोटी लाइनें हैं, उसका उसको स्मूथ करने के लिए किसी भी हमारे जो इसके अंदर ज्योमेट्री के अंदर कुछ थोड़ी सी चीज़ें अगर आ जाती हैं तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पूरे को सिलेक्ट कर किया, राइट क्लिक किया और यहाँ पर स्मूथ की एक कमांड है, हम इसको स्मूथ करेंगे तो देखिए वहाँ पर जो जो ब्लैक वाले हिस्से थे वो सारे गायब हो गए। अब जैसे इसको मैं करूँगा क्लिक किया तो देखिए अब उस जगह पर कोई भी वो लाइन बाकी नहीं बची है जो इधर होती। अब इसी डिज़ाइन को मैं अपने चेयर के नीचे लगाते हैं, उसके पायों के नीचे, टेबल के नीचे भी लगाते हैं। ये रोटेट का टूल है। अब देखिए ये हमारा डिज़ाइन है, हम चाह रहे हैं ये डिज़ाइन हम इस पाए के नीचे यहाँ पर लगाएं, यहाँ पर लगाएं और यहाँ पर लगाएं। उसको लगाने के लिए इसको रोटेट करना बड़ा ज़रूरी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ये ब्लू कलर में जब होगा तो इसका मतलब ये वाई एक्सिस के अंदर प्लेन है, हम इसको क्लिक करेंगे और 90 डिग्री जितनी भी डिग्री में हमने मोड़ना होगा उसको उतनी डिग्री में मोड़ देंगे, 90 डिग्री में करेंगे तो इस शेप में आ जाएगा। अब जैसे ही अब हम इसको इधर से ग्रीन एक्सेस के ऊपर जब इसको रोटेट करेंगे हम फिर इसको 90 डिग्री में करेंगे तो देखिए ये इस शेप में आ गया। अब हम इसको लगाते हैं इधर तो हमें ये मालूम है कि ये टेबल के साइड से साइज़ से काफ़ी बड़ा है और इतना अच्छा नहीं दिखेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे। अब इसके दो तरीके हैं कि हम ये इसी डिज़ाइन को पूरी चेयर के ऊपर लगाना चाह रहे हैं वो भी हम लगा सकते हैं, उसके लिए हमारा एक और टूल है स्केल टूल जिसकी शॉर्टकट कमांड है एस कमांड, हम वो यूज़ कर सकते हैं या फिर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, स्केल यूज़ किया हमने, स्केल यूज़ करके स्केल टूल के अंदर देखिए ग्रीन कलर के ये बहुत छोटे छोटे से पॉइंट दे दिए हैं, इसके अंदर तीन हर सतह के ऊपर तीन पॉइंट होगा, एक साइड वाला, एक मिडल वाला और एक दूसरी साइड वाला। अब मिडल के ऊपर जैसे करेंगे तो ये हॉरिजेंटली जोन सा है उसको स्केल करेगा, यानी उसकी जो शेप है हॉरिजेंटली छोटा करता जाएगा उसको, ये देखिए सामने से देखते हैं, यानी उसके डिज़ाइन को चेंज करता जाएगा, ये बहुत भद्दा दिखता है, बहुत बुरा दिखता है। उसके लिए क्या करेंगे हम इसके कॉर्नर वाला जो है हिस्सा उसका दरमियान वाला हिस्से को पकड़ेंगे तो ये बराबर जोन सा है उसको डिज़ाइन की शेप भी चेंज नहीं होगा और ये बराबर जोन सा है उसको करता जाएगा। ये देखिए हमने इसको बिल्कुल छोटे स्केल में कर दिया। अब इसको स्केल में करने के तरीके ये हैं कि हम मैन्युअली भी कर सकते हैं या फिर हम अपने हमारे बार के अंदर टाइप करके स्केल भी इसकी लिख सकते हैं जो भी इसकी आएगी। दूसरा एक और तरीका होता है इसको कंट्रोल दबा के, उससे भी हम कर सकते हैं। मैं इसको तकरीबन 30x30 करता हूँ, 30x33 है, ये देखिए 30x33 का ये हमारा एक छोटा सा डिज़ाइन जो है हमने इसकी टेबल पे लगा दिया है। अब इसको हम इसके दरमियान में रखेंगे,
बाहर वाली साइड पर ही हम रखते हैं, बाहर पे ज़्यादा अच्छा दिखेगा। और इसको फिर अब यहाँ पर हम कॉपी करेंगे, मूव टूल यूज़ किया, कंट्रोल कमांड दबाया हमने और इसको इस साइड पे कर दिया। अब इसके दो तरीके हैं, या तो हम इसको यहाँ पे रोटेट कर लें, या फिर इसका एक और तरीका है कि हम यहाँ पर इसको राइट क्लिक करें और इसको फ्लिप कर लें। फ्लिप करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली तौर पर ये देखिए उसी जगह के ऊपर वो इसने अपने डायरेक्शन चेंज कर। अब इन दोनों को मैं सिलेक्ट करूंगा, इनके अंदर के हिस्से से पकड़ेंगे इसको, मूव टूल्स कंट्रोल की मेक अ कॉपी एंड पेस्ट इट हियर। अब उधर जब हमने पेस्ट किया, अब हमारे पास चार पीस आ गए, हम इसको चारों को सिलेक्ट करते हैं। क्योंकि हमारा स्क्वायर है टेबल, इसके दरमियान में एक लाइन लगाएंगे, यहाँ पर रोटेट वाला टूल पकड़ेंगे और इन चारों पीस को हम कॉपी कर रहे हैं रोटेशन के अंदर। अब किसी भी एक एंगल को हम पकड़ेंगे, क्लिक किया, रोटेशन कंट्रोल की दबाई, कॉपी हो गई। अब हमने इसको 90 डिग्री के ऊपर करके एंटर करेंगे तो ये देखिए, अब ये जो हमने एक रेफरेंस लाइन लगाई थी इसको हम रिमूव कर देते हैं। देखिए हमारा खूबसूरत टेबल बन गया जिसके किनारों के ऊपर हमने डिज़ाइन लगा दिया। अब इसके अंदर हम कलर कर देते हैं जो हमारा ओरिजिनल कलर है। ये दोस्तों देखा आपने, हमने आज की वीडियो में फॉलो मी टूल्स, स्केल टूल, रोटेट टूल्स और ऑटोकैड की इंपोर्ट करने का तरीका सीखा। उम्मीद है आपकी वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स करें ताकि हम अपनी वीडियो को अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतर बना सकें। बहुत शुक्रिया।